हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाई, चार फॉर्मूला सीख के हम अभी आगे फॉर्मूला सीखेंगे और उससे रिलेटेड सम करेंगे। ठीक है, अभी हमारी फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है। अभी हमें इंटीग्रेशन इस तरह हो, ए एस टू एक्स, ए मीन्स कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो, ठीक है, तो उसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो पहले ए एस टू एक्स जो है वो सेम रहेगा और ए जो है डिवाइड में आ जाएगा लॉग ए बेस ई। ए रस टू एक्स, ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, ई नहीं है। ई रस टू एक्स का ई रस टू एक्स होता है, लास्ट वीडियो में हम सीख गया है। और ई के अलावा कोई भी नंबर हो तो आपको क्या करना है, पहले ए रस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ए रस टू एक्स का सेम, डिवाइड में क्या आ जाएगा लॉग ए बेस ई, ठीक है, और पीछे प्लस सी जैसे लगाते हैं हम। ओके, ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन, अगर जो सपोज करो ए की जो पावर है इस तरह हो एम एक्स प्लस एन, ठीक है, कुछ और, तो क्या होगा, ए रस टू जो भी पावर है वो सेम रहेगी, ए रस टू एम एक्स प्लस एन जो पावर है वो सेम रहेगी, डिवाइड में क्या आएगा लॉग ए बेस ई, जैसे मैंने बताया डिवाइड में वही आएगा। और इसमें एक चीज और आएगी, एक्स के साथ क्या एम है वो एम भी यहाँ पे डिवाइड में आएगा, एक्स के साथ जो होगा वो डिवाइड में आएगा और पीछे प्लस ही हम रखते ही है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, अभी इससे रिलेटेड हम सम कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन थ्री, ठीक है, इससे रिलेटेड है, आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन थ्री। तो अभी देखो इलस्ट्रेशन थ्री में तीन सम है, पहला सम है हमारे पास इंटीग्रेशन टू की एक्स पावर, देखो आप टू कॉन्स्टेंट है बराबर ना, ई नहीं है, ई होता तो इसके पहले वाला जो वीडियो बताया था वो ई रस टू एक्स, ई रस टू कोई भी पावर थी वो था, अभी यहाँ पे नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है, टू की एक्स पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा टू की एक्स और डिवाइड में रखोगे लॉग टू बेस ई, पीछे प्लस सी जैसे रखते हैं, इस तरह इंटीग्रेशन होगा, जैसे ए रस टू एक्स का ए रस टू एक्स एम और नीचे लॉग ए बेस ई, टू है तो टू रस टू एक्स एम और नीचे लॉग टू बेस ई, इस तरह, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब इसी तरह हम सेकेंड नंबर देखें, सेकेंड नंबर है हमारे पास इस तरह मिला हुआ है, इंटीग्रेशन करना है टेन एस टू फाइव एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है टेन एस टू फाइव एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सिंपल है, आपको बताया टेन, ये तो पहले सेम रहेगा टेन एस टू फाइव एक्स सेम, और डिवाइड में क्या आएगा लॉग टेन बेस ई, सिंपल। पर अभी एक्स के साथ जो भी होगा, जैसे कि एक्स के साथ यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे फाइव डिवाइड में आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया एक्स के साथ एन था तो एन रखा था हमने, ठीक है, सेम, तो टेन एस टू एक्स का डेरिवेटिव पहले सेम टेन एस टू एक्स और डिवाइड में लॉग टेन बेस ई, और एक्स के साथ फाइव है तो फाइव डिवाइड में प्लस सी, सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। ओके, इसी तरह ही एक और है इसमें इलस्ट्रेशन थ्री में, क्या है इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन थ्री सेवन एक्स प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर है, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो थ्री की ये पावर तो सेम रहेगी सेवन एक्स प्लस टू, ओके, थ्री की जो पावर है, और डिवाइड में क्या आएगा लॉग थ्री, ठीक है, बेस ई, थ्री है ना तो लॉग थ्री बेस ई, और एक्स के साथ यहाँ पे सेवन है तो सेवन डिवाइड में आएगा पीछे प्लस सी, सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह हमने आज ये दो फॉर्मूला सीखी और उससे रिलेटेड हमने सम किया, नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूला सीखेंगे और उससे रिलेटेड सम करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इतना है, थैंक यू।